गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 25.2 देख रहे थे, जिसमें हम लोग टैब 2 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैब 3। तो देखिए, एक्सरसाइज 25.2 टैब 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है क्या कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन इज मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर। ये पूछा जा रहा है कि मॉड ए वेक्टर का वैल्यू क्या मॉड बी के बराबर होगा। आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है, ए वेक्टर दिया हुआ है, साथ में बी वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है i+2j, i+2j, और बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i+j, 2i+j। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इज मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, क्या मॉड ए वेक्टर का वैल्यू मॉड बी वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर कॉपसेंट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस कॉपसेंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 5, ये आएगा। एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई का कॉपसेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का कॉपसेंट 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो रूट अंडर 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि मॉड ए इज इक्वल टू क्या मॉड बी। ये लिख सकते हैं कि मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मॉड बी वेक्टर। ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। नाउ जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये बताना है कि आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, क्या दोनों वेक्टर इक्वल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि दोनों वेक्टर का आई का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और दोनों वेक्टर के जे का कोएफिशिएंट भी इक्वेट होना चाहिए, तभी वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या इक्वल है, उसके मैग्नीट्यूड, आई का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ जे का कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ जे का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ आई इन बोथ वेक्टर इज नॉट सेम, सो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक केस लिख रहे हैं क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ आई ऑफ बोथ वेक्टर इज नॉट सेम। हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ जे ऑफ बोथ वेक्टर इज नॉट सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन नंबर 43 में कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड सो दैट द फैक्टर ए फैक्टर बी फैक्टर आर इक्वल। एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों का वैल्यू निकालना है, जिसमें क्या कह रहा है कि ए फैक्टर इज इक्वल टू बी फैक्टर। ए फैक्टर का जो वैल्यू है किसके बराबर है, बी फैक्टर के
बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए वेक्टर इक्वल टू कितना है, ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के, और बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया टू आई प्लस वाई जे प्लस के, टू आई प्लस वाई जे प्लस के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार से क्या कहा हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो जब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों के आई का कोएफिशिएंट इक्वेट होगा, दोनों के जे का कोएफिशिएंट इक्वेट होगा, और दोनों के का कोएफिशिएंट इक्वेट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के इज इक्वल टू टू आई प्लस वाई जे प्लस के। तो दोनों के x का ऑप्शन जब इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर क्या होगा, x इक्वल टू होगा 2, y इक्वल टू भी होगा 2 एंड z इक्वल टू होगा 1, x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 1। ये वैल्यू हो जाएगा किसका, x का और y का और z का। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 44 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर हम लोग जो एक्सरसाइज 2B का एक्सरसाइज 25.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 45, जिसमें एक्स लैम्डा का वैल्यू निकालना था। क्या करा था क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0 0 0, एंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स आई प्लस जे प्लस थ्री के प्लस वाई थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस के एंड प्लस जेड इंटू माइनस फोर आई प्लस फाइव जे इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वैल्यू किसका निकालना है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि आई एक्स वाई जेड जो है वो 0 0 नहीं है, एक्स वाई जेड 0 0 नहीं है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग आई जे के का जो टर्म्स है उसको एक जैसा कर एक एक जगह कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आई का टर्म अगर एक साथ करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा एक्स, यहाँ से क्या आएगा 3y, और यहाँ से क्या आएगा -4z, फिर प्लस अगर जे का टर्म अगर एक साथ करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा एक्स, यहाँ से क्या आएगा -3y, और यहाँ से क्या आएगा +5z, और फिर प्लस के का टर्म अगर एक साथ करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 3x, यहाँ से आएगा वाई, और यहाँ से तो 0z आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आएगी, ठीक है यहाँ तक। अब अगर दोनों साइड हम लोग आई के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें, दोनों साइड हम लोग आई के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 3y-4z इक्वल टू लैम्डा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं,
एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू लैम्डा वाई, और तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड इक्वल टू लैम्डा जेड, ये लिख सकते हैं। ये तीन इक्वेशन हम लोग का यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये तीन इक्वेशन बनेगा, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस प्लस जीरो जेड इक्वल टू लैम्डा जेड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x की कोएफिशिएंट को एक साथ कर देंगे, x को एक साथ करेंगे y और z, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a क्या बन जाएगा, a हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा x प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस थ्री माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 3 प्लस लैम्डा ऑफ y प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा भैया, जो कि क्या है, एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। लिखते हैं दिस इज यम होमोजेनियस लीनियर, दिस इज या होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ डेल, फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा डिटर्मिनेंट, देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर लैम्डा का वैल्यू निकालना है तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड, डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हम लोग का, अगर डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल बराबर वन माइनस लैम्डा थ्री माइनस फोर, वन माइनस ऑफ थ्री प्लस लैम्डा फाइव, थ्री वन माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का वैल्यू किसका आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, डिटर्मिनेंट किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सॉल्विंग, सॉल्विंग आर वन, क्या सॉल्व कर रहे हैं, आर वन, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट एक कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो माइनस ऑफ थ्री प्लस लैम्डा फाइव वन और माइनस लैम्डा आएगा, फिर माइनस थ्री ऑफ क्या आएगा, एक कॉलम और ये रो चला जाएगा तो वन फाइव थ्री और माइनस लैम्डा आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस ऑफ फोर, अगर एक कॉलम और ये रो चला जाएगा तो वन माइनस थ्री प्लस लैम्डा थ्री एंड वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये फॉर्मेट आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का फॉर्मेट आएगा कितना, वन माइनस लैम्डा, ये इससे गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, लैम्डा इंटू थ्री प्लस लैम्डा माइनस फाइव, फिर यहाँ पे आएगा माइनस थ्री इंटू, ये आएगा माइनस लैम्डा माइनस फिफ्टीन, फिर यहाँ पे आएगा माइनस फोर इंटू, यहाँ आएगा वन प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आएगा। ये तीनों इक्वेशन एक साथ है, तीनों टर्म का इक्वेशन एक साथ है, तो देखिए क्या आ जाएगा, अब तो क्या आ जाएगा, वन माइनस लैम्डा इंटू थ्री लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव, ऐसा आएगा, फिर माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री लैम्डा प्लस फोर्टी फाइव, प्लस फोर्टी फाइव,
फिर क्या आएगा, ये फोर से गुना होगा तो माइनस फोर, और माइनस या माइनस नाइन एंड वन माइनस टेन, तो माइनस फोर्टी कर सकते हैं, माइनस फोर्टी। और ये कितना होगा, माइनस थ्री लैम्डा होगा, थ्री लैम्डा गुना होगा माइनस फोर से, तो माइनस ट्वेल्व लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, वन से गुना होगा तो क्या होगा, थ्री लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव, माइनस लैम्डा से गुना होगा तो माइनस थ्री लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, और माइनस माइनस प्लस फाइव लैम्डा, प्लस थ्री लैम्डा प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी माइनस ट्वेल्व लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। माइनस फोर्टी माइनस फाइव माइनस फोर्टी फाइव एंड प्लस फोर्टी फाइव कैंसिल, ठीक है यहाँ तक। थ्री लैम्डा थ्री लैम्डा सिक्स लैम्डा, सिक्स लैम्डा और फाइव लैम्डा एलेवन लैम्डा माइनस ट्वेल्व लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं माइनस लैम्डा क्यू, माइनस थ्री लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर मतलब माइनस टू लैम्डा स्क्वायर, और थ्री लैम्डा फाइव लैम्डा एट, एट और थ्री एलेवन, एलेवन कितना चला गया ट्वेल्व, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस लैम्डा कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। और इसको अगर जीरो से इक्वेट करते हैं लैम्डा स्क्वायर, इसको अगर जीरो से इक्वेट करते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब लैम्डा प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन दो बार आएगा, और एक लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया जीरो, देयर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया वैल्यू बना, एक जीरो और एक माइनस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू जीरो एंड माइनस वन। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस टू जे माइनस जेड के एंड बी वेक्टर इक्वल टू थ्री आई माइनस वाई जे प्लस के आर टू इक्वल वेक्टर्स, देन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ है, साथ में बी वेक्टर दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 46, ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स आई प्लस टू जे माइनस जेड के, एक्स आई प्लस टू जे माइनस जेड के, एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ थ्री आई माइनस वाई जे प्लस के, ठीक है। करे बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, ये दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है। फाइंड करना किसका वैल्यू, फाइंड करना है, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यह लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है, यानी क्या होगा, एक्स आई प्लस टू जे प्लस माइनस जेड के इज इक्वल टू थ्री आई माइनस वाई जे प्लस के, दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो देयर फॉर क्या होगा, एक्स इक्वल टू थ्री, टू इक्वल टू माइनस वाई एंड माइनस जेड इक्वल टू वन, दैट इज क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू हो गया थ्री, वाई का वैल्यू हो गया माइनस टू और जेड का वैल्यू हो गया माइनस वन। एक्स का वैल्यू थ्री, वाई का वैल्यू माइनस टू और जेड का वैल्यू माइनस वन। अब सबको ऐड करेंगे तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स के बदले थ्री माइनस टू माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में कह रहा है क्या कि इफ द वेक्टर्स माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस जे प्लस 4k रिप्रेजेंट टू साइड वेक्टर्स ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल दिया हुआ ए बी सी। ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी वेक्टर का वैल्यू दिया माइनस जे प्लस के, और ए सी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 4k, ये वैल्यू दिया ए बी और ए सी का। देन कर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मेडियन थ्रू ए, क्या करना फाइंड करना लेंथ ऑफ मेडियन थ्रू ए, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, दैट इज क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ए डी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डी वेक्टर, ये निकालना है। तो हम लोग के पास क्या क्या दे रखा है, ए बी वेक्टर दे रखा है और ए सी वेक्टर देख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि सिंस डी जो होगा वो क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा, डी जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो होगा बी सी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। Therefore, BD vector is equal to DC vector. BD vector का वैल्यू जो होगा वो DC के बराबर होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, C से D जाएगा और B से D जाएगा, तभी AD बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD vector का जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ CD के बराबर होगा। ठीक है, बी डी का जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ सी डी के बराबर होगा, डी मिड पॉइंट है तो बी डी डी सी के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से बी डी का जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ सी डी के बराबर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे फ्रॉम ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, ट्रेंगल ए बी डी से क्या कि ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रेंगल ए सी डी से ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, ये हो जाए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो लिखें एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2 ए डी वेक्टर, ए बी का वैल्यू पता है
अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि बी डी का फैक्टर जो था वो क्या था, माइनस सी डी के बराबर था, जिसके कारण से यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे ए बी वेक्टर माइनस सी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2 AD वेक्टर, तो प्लस सी डी से माइनस सी डी कैंसिल हो जाएगा यानी क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बनेगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2 AD वेक्टर। तो ए बी का रिजल्ट कितना है, माइनस जे प्लस के, इसके साथ जुटेगा ए सी कितना 3i माइनस जे प्लस 4k इक्वल टू क्या होगा 2 AD वेक्टर होगा, ऐसा आएगा। दैट इज यहाँ लिख सकते हैं, अब क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है 3i माइनस जे माइनस जे, तो माइनस 2j बन जाएगा और प्लस 4k प्लस के तो प्लस 5k बन जाएगा इक्वल टू कितना 2 AD वेक्टर, 2 AD वेक्टर। तो देयरफॉर AD वेक्टर बराबर क्या होगा 1/2 ऑफ 3i माइनस 2j प्लस 5k, ये आएगा ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ AD क्या निकालना था, लेंथ ऑफ AD निकालना था, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AD वेक्टर दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ AD वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड दिस इज इंटू 1/2, क्योंकि आप यहाँ 1/2 का स्क्वायर करोगे तो बट्टे में तो 4 आएगा लेकिन फिर जब रूट हटेगा तो बाहर क्या निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा हम लोग का, रिजल्ट आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 4 9 9 18 रूट अंडर 38/2 रूट अंडर 38/2 ऐसा आएगा। तो ये इसका आंसर, इतना यूनिट इसका लेंथ हो जाएगा। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में आंसर दे रखा है 5/2 यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है क्या कि राइट द पोजिशन फैक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट विथ पोजिशन 3a माइनस 2b अच्छा एंड 2a प्लस 3b इन द रेशियो 2:3। कह रहे क्या कि एक पॉइंट मान लेते ये है, एक पॉइंट मान लेते बी है, ये दोनों का पोजिशन फैक्टर दिया हुआ है। ए का पोजिशन फैक्टर कितना लिखा हुआ है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और बी का पोजिशन फैक्टर कितना दिया हुआ है, बी का पोजिशन फैक्टर दिया हुआ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। इस पोजिशन फैक्टर को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, मान लेते हैं पॉइंट पी है जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजिशन वेक्टर क्या होगा ये निकालना है, पी का पोजिशन वेक्टर निकालना है ठीक है। तो पी का पोजिशन वेक्टर इसके लिए 2 को इधर से गुणा करना पड़ेगा, 1 को इधर से गुणा करना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो यह लिख सकते पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ पी
इज इक्वल टू टू ए इन टू इंटू टू ए, फोर ए और थ्री ए, ये बनेगा सेवन ए वैक्टर। सेवन ए वैक्टर ये कितना होगा, सिक्स बी माइनस टू बी, तो प्लस फोर बी वैक्टर होगा डिवाइडेड बाई कितना, थ्री। ये पोजिशन वैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, पी, पी का पोजिशन वैक्टर। सेवन ए वैक्टर प्लस फोर बी वैक्टर डिवाइडेड बाई थ्री। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 25.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री और मोर पॉइंट, तीन या तीन से अधिक पॉइंट कॉलिनियर कब होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 25.3। थैंक यू।